सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। टुडेज टॉपिक फॉर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, टॉपिक यूनिट 4 से लिया गया है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN फुल फॉर्म इज चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी दिव्यांग पर्सन के लिए फिजिकल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन, वह एजुकेशन जिसके अंतर्गत डिसेबल जो पर्सन होता है स्कूल के विद्यालयों में या कहीं भी, उनके डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपको एक्टिविटी कराई जाती है, जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स टू एडाप्टिव प्रोग्राम ऑफ गेम एंड अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज। इट इज रन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, नीड एंड एबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड और फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट ऑफ ऑल एज। हर एज के ग्रुप में जो फिजिकल चैलेंज्ड या डिसेबल पर्सन है, उनकी क्षमता, आवश्यकता और योग्यता के आधार पे इसको स्मूथ फंक्शन कराया जाता है, फिजिकल एजुकेशन को। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द 3 to 21 ईयर्स एज ग्रुप। जो ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज दे दी जाती है स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, उनका एज जो होना चाहिए 3 to 21 होना चाहिए। ये आपके रिकॉर्ड में नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आते भी हैं आपके टर्म वन टर्म टू में, टर्म टू में आएंगे जरूर। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ऑलवेज कीप इन द माइंड द डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। टू डेवलप मोटर स्किल एंड लर्न द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज। डेवलप मोटर स्किल, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मोटर स्किल रिलेटेड टू योर मूवमेंट, लाइक उठना, बैठना, चलना, फिरना, जितना भी दौड़ भाग करते हो, वो सारी चीज़ की को ही हमें मोटर स्किल्स भी बोलते हैं। ये रेगुलर एक्टिविटीज़ में आपको डेवलप करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट, टू डेवलप द हेल्दी लेवल ऑफ एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग द मूवमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स। खेल के लिए जो हम मूवमेंट या दौड़ भाग करते हैं, उसके डेवलप करने के लिए हेल्दी लेवल एनवायरनमेंट बनाना। टू लर्न न्यू गेम्स एंड देयर रूल्स एंड टू डेमोस्ट्रेट इट करेक्टली टू द स्टूडेंट्स। एडाप्टिव स्पोर्ट्स, विच स्पोर्ट्स इज प्ले फॉर डिसेबल पर्सन इज कॉल एडाप्टिव स्पोर्ट्स, ठीक है। एडाप्टिव स्पोर्ट्स के अंतर्गत स्पेशल ओलंपिक भारत, 11-15 हो गया सर। इट इज ए मूवमेंट दैट यूजेज स्पोर्ट टू चेंज द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और मेंटली रिटायर्ड पर्सन। ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत जो होता है, किसके लिए होता है? जो मानसिक रूप से डिसेबल होते हैं, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1987 एज ए स्पेशल ओलंपिक भारत। इसको जब फाउंड किया गया था, तैयार किया गया था, ये स्पेशल ओलंपिक भारत के तौर पे था, स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से था। देन उसको चेंज करके स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001 में किया गया। इट इज़ एन ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जो होता है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के थ्रू होता है, इसी के एक भाग है, ठीक है। विच वाज स्टार्टेड, जो स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल है वो स्टार्ट किया था किसने? यूनिसे कैनेडी श्रीवेर,
ये सिस्टर ऑफ जॉन फ्रैंकी कैनेडी हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी बहन थी। नेक्स्ट, मिशन मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत क्या मिशन है? टू प्रोवाइड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड कंपटीशन थ्रू आउट द ईयर ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, ईयर फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है, ईयर बाय ईयर स्पोर्ट ट्रेनिंग देकर या कंपटीशन कराकर कराया जाता है डिसेबल पर्सन के लिए। मिशन इसका है, गिव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर फिजिकल फिटनेस, ठीक है, मोर अपॉर्चुनिटी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड अपना डेवलप करने के लिए। अब विजन पे आते हैं, इसका विजन क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द कम्युनिटीज बाई इंस्पायरिंग पीपल द फ्रॉम द वर्ल्ड टू ओपन देयर माइंड, एक्सेप्ट एंड इंक्लूड पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब इसका ओथ है, ओथ को जरा याद करके रखना, और इसको सेव ना हो तो सेव कर लीजिए। लेट मी विन, बट इफ आई कैन नॉट विन, लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट, पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ये पैरेलल चलता है जो मेन ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक या कोई भी समर ओलंपिक के साथ ही चलता है, ठीक है। जैसे ही वो ख़त्म होता है उसके लिए पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ द कंपटीशन हेल्ड इन पैरेलल विथ ओलंपिक्स गेम्स इन इन्वॉल्विंग एथलीट विथ डिफरेंट डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग इम्पॉर्ड मसल्स पावर। मसल्स पावर में जो प्रॉब्लम आती है, पैराप्लेजिया, ठीक है, पैराप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम्स। ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो पोलियो से रिलेटेड बीमारी है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है और उसके बाद लकवा मार देता है पैर में तो चल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ये गेम कराए जाते हैं। एम्पुटेशन, लेग लेंथ डिफरेंसेस। अब लेग लेंथ भी आपने देखा होगा कि जब पोलियो हो जाता है तो छोटे भी के लोगों के पैर भी छोटे एक बड़े होते हैं। हाइपरटोनिया, विजन इम्पायरमेंट एंड अटैक्सिया ETC। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 22 सितंबर 1989, ये बनाया गया था 1989 में 22 सितंबर को। विजन क्या है इसका पैरालंपिक का? टू इनेबल पैरालंपिक एथलीट टू अचीव द स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड द इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। इसका विजन यही है कि लोगों में जो विकलांगता है, जो फिजिकल डिसऑर्डर्स है, उसमें एक अपने आप को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, शारीरिक रूप से भाग लेने के लिए, उनको पूरे भारत में या पूरे देश में, विश्व में इसके प्रचार प्रसार करें, इंस्पायर करें। मोटो क्या है इसका? मोटो, स्पिरिट इन मोशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इन द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, डीफ ओलंपिक्स। द डीफ ओलंपिक्स वेयर ऑर्गेनाइज ओरिजिनली नॉन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, ठीक है, इसको हम जानते हैं किससे? इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स के नाम से भी, विच आर फाइनली नेम्ड एज डीफ ओलंपिक्स इन 2001, ठीक है, इसका नाम जो दिया गया डीफ ओलंपिक का 2001 में दिया गया। इट वाज हेल्ड इज वेरी फॉर एवरी 4 ईयर, 4 साल के अंतराल में खेला जाता है। डीफ ओलंपिक्स एंड अदर वर्ल्ड डीफ का चैंपियनशिप्स आर ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। ये ऑर्गेनाइज जो कराई जाती है, ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ यानी ICSD, विच वॉज फाउंडेड इन 1924, मतलब जो 1924 में बना। द डीफ हॉर्ड ऑफ हियरिंग इलाइट, इसमें क्या होता है, इसमें वही पार्टिसिपेट करते हैं जिनके सुनने की क्षमता जो 55 डेसीबल से ऊपर होने कम होती है, सुनने की क्षमता 55 डेसीबल कम हो जाता है, ठीक है, उससे ऊपर के लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए स्मॉल गैदरिंग 148
एथलीट हु पार्टिसिपेटेड इन 1924 फ्रांस गेम्स, पहला पैरा ओलंपिक्स जो गेम हुआ था, सॉरी डीफ ओलंपिक्स गेम्स हुआ 1924 में फ्रांस में खेला गया था, जिसमें 148 पार्टिसिपेंट्स एथलीट ही पार्टिसिपेट किए थे। मोटो क्या है? ये मोटो, इट इज़ पर लूडोज लूडो सॉरी इट इज़ पर लूडोज इक्वलिटीज, ठीक है, विच मीन्स होता है इक्वली थ्रू स्पोर्ट्स, यानी खेल के द्वारा समानता लाना। एलिजिबल एथलीट, इसके एलिजिबल एथलीट कौन कौन से हैं, और जो मैंने बताया था कि हियरिंग इम्पायर्ड जो होते हैं जो 55 डेसिबल से कम सुनते हैं, सॉरी हाँ 55 डेसिबल से अधिक हियरिंग लॉस होता है जिनका, वो खेलते हैं पैरा ओलंपिक्स। और रोल ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मीन्स होता है जो व्यावसायिक रूप से जो भाग लेते हैं, किसी को सुविधा पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल्स। फॉर डिफरेंटली एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए जो प्रोफेशनल्स नियुक्त होते हैं वो क्या है, पहला काउंसलर, जैसे आपके विद्यालयों में नियुक्त है उसी तरीके से। काउंसलर इज द ट्रेंड पर्सन हु सॉरी काउंसलर इज द ट्रेंड पर्सन हु इम्प्रूव्ड आवर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फंक्शन इन सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल कैपेसिटीज, एंड दे प्रोवाइड सपोर्ट देयर पार्टनर एंड देयर फैमिली विच इज बेनिफिशियल फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनको बराबर समय टू समय इनको काउंसल करता है, किस तरीके से सोशल इमोशनल और बिहेवियरल कैपेसिटी उनको देखते हुए, और उनको बढ़िया से बढ़िया कोई दोस्त बना के उसके साथ रहने के लिए नियुक्त करता है, जिससे ये खुद ही नियुक्त होता है एक तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए। द रोल ऑफ काउंसलर इज टू हेल्प ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज विथ स्पेशल नीड्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, कोपेटर विद द डिसेबिलिटीज एंड प्रोवाइड ए सेफ स्पोर्टी हेल्प। ठीक, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकेट्रिक्स कंडीशन सॉरी इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकेट्रिक्स कंडीशन टू प्रमोट इंडिपेंडेंट फंक्शन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मोस्टली काम क्या है, वो फिजिकल के साथ साथ साइकेट्रिक्स का कंडीशन में भी जो ट्रीटमेंट उसको देते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी जो उसको प्रमोट करते हैं आज़ादी से जीवन यापन करने के लिए, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं। द रोल ऑफ थेरेपिस्ट टू एड्रेस चाइल्ड टू चाइल्ड्स एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग लाइफ, लाइक जैसे मैकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, ईटीसी, इन स्पाइट ऑफ दी डिसेबिलिटीज। ठीक है, रोजमर्रा के जीवन का ये महत्वपूर्ण अंग होता है जिसमें वो काफ़ी सुधार करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। द इनकरेज द चाइल्ड पोटेंशियल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज सो दैट द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटीज इन मिनिमाइज डे बाई डे, एंड दे ऑल्सो वर्क ऑन हैंड आई कोऑर्डिनेशन टू इम्प्रूव स्किल लाइक हिटिंग ए बॉल एंड कोपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। ये क्या है, ये जो बताया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई कोऑर्डिनेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आई आई हम आई आँख और हाथ से कोऑर्डिनेशन जो करते हैं उसके लिए, जैसे हिटिंग बॉल है, बॉल मैंने फेंका उसको मारा है? उस तरीके कोपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे ना। फिजियोथेरेपिस्ट, इसका तो नाम सुना ही है आप लोगों ने, इसका काम क्या होता है, मसाज और मैनिपुलेशन के थ्रू उसके शरीर के जो कमजोर अंग है उसको मजबूत करना और उसको मूवमेंट करने के लिए तैयार करना। ठीक है, इसको इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी आप जनरली जानना चाहते हो तो इसको देख सकते हो। ठीक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, अब आप जानते ही हो कि स्कूलों में हमेशा फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति होती है, उसका बहुत ही अहम रोल होता है।
अहम रोल होता है जो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, वो उसको अलग गेम, जैसे अलग गेम नहीं, उसी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो बच्चों के साथ सर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ भी खेलने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट। अब स्पीच थेरेपिस्ट जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों के लिए, उनमें रखे जाते हैं। जैसे अभी अब डिसेबल स्कूल जो हैं, डिसेबल पर्सन के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं, उसमें इस तरीके के टीचर्स रखे जाते हैं। तो वो स्पीच जो उनका बोलने का, आपने ब्लैक फिल्म देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन ने समझाने की कोशिश करी थी कि आँख में उसको प्रॉब्लम था, बोलने बोल नहीं सकती थी, तो उसके मुंह के थ्रू, टच के थ्रू उसको बताता है। ठीक है, ये दिस इज इट स्पीच थेरेपी है। ठीक है, इसका काम है स्पीच, उसको बोलने की क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर डील विद चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, द चिल्ड्रेन वे प्रॉब्लम, ओरल इंस्पायरेशन और लिसनिंग कंप्रहेंशन, रिटेन इंस्पिरेशन, बेसिक रिएक्टिव स्किल, रीडिंग कंप्रहेंशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, रिटेन इंस्पिरेशन मतलब उसको लिखने में अक्षमता जो रहती है, और बेसिक रिएक्टिव स्किल, ये जो बेसिक रिएक्टिव जैसे हम लोग बुलाते हैं किसी चीज़ को, तो वो प्रॉब्लम हो जाने पर उसको डेवलप करता है स्पेशल एजुकेटर। द स्पेशल एजुकेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल विच इज एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, इसको जनरली मैं पढ़ूंगा। प्रोवाइड्स ओरल इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट विद रीडिंग डिसेबिलिटीज, जो रीडिंग प्रॉब्लम होती है उनके लिए। रेगुलर इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रेन विद द स्पेशल नीड्स एंड लेट देम नो वेल देम प्रोग्रेसिंग टू वर्ड एयर इंडिविजुअल ऑफ क्लास गोल, टू मेक एक्टिविटीज ब्रीफ एंड शॉर्ट एज लॉन्ग एक्टिविटीज आर पार्टिकुलरली प्रोस्ट्रेटिंग, लीडिंग लर्निंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, द इंश्योर ए सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट असाइनमेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ठीक है, ये क्वेश्चन असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, 3 मार्क्स का है। इसके आंसर आपको नेट से और इसमें जो पढ़ाया है मैंने उससे आपको कलेक्ट करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको इसमें से ढूंढना है। राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन, नेम 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडाप्टिव स्पोर्ट्स विद द ईयर इन विच दे कम इन टू द एक्सिस्टेंस। ये आपको नेट से लेना पड़ेगा, इसमें पूरा आपको बृहद तौर से नहीं बताया गया है। एक्सप्लेन द विजन एंड मिशन, या आपको जो बुक भेजा है मैंने उससे भी आप ले सकते हो। एक्सप्लेन द विजन एंड मोशन ऑफ स्पेशल भारत ओलंपिक्स, ये तो है इसमें। राइट एनी 3 एक्टिविटीज परफॉर्म बाई स्पेशल भारत ओलंपिक्स, व्हाट इज द मोटो ऑफ डीप ओलंपिक्स, व्हाट इज द मोटो ऑफ डीप ओलंपिक्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, व्हाट इज द नीप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्सप्लेन द, ये दोनों ही आपकी बुक में जो मैंने ऑनलाइन भेजा है आप लोगों को उससे आप ले सकते हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ओके, अंडरस्टैंड। फिजिकल एजुकेशन कोर्स के जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं इसमें बृहद तौर पे लिखना है। एक्सप्लेन द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन, एम और ऑब्जेक्टिव उसके लिखने हैं। एलोबरेट स्पेशल ओलंपिक भारत, डिस्क्राइब पैरा ओलंपिक्स, राइट द डिटेल अबाउट डीप ओलंपिक्स, राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एलोबरेट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। नेक्स्ट आपके मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं, स्वयं करने हैं। एम एंड एडाप्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज डील विथ, इसमें से चूज करने हैं। इसी तरीके से सब में से आप चूज करते जाओगे बारी बारी से। अब इसको चेक करते रहना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको, और ये जितने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अगर ऑब्जेक्टिव से के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे
तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप ये जो मल्टीपल चॉइस है ये आपके लिए ज़रूरत है, और ये ज़रूर आएगा इसमें से एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, हर टॉपिक से। थैंक यू बच्चों समय देने के लिए, और प्रिपेयर्ड माई भी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, सत्येंद्र कुमार, TGT BHE, ओके।